अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पूरा देश में जानता है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक लीडर ने 4,500 किलोमीटर पैदल चला एक मकसद लेके। सबसे पहले सवाल आपसे, आपका मध्य प्रदेश में आया, आपने शीर्ष नेता को बीजेपी को कहा कि झूठ बोलते हैं, हर घंटे में झूठ बोला जाता है, देखिए इन लोग ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। ये लड़ाई सच और झूठ के लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी आएगा 11 बजे झूठ बोलेगा, अमित शाह आएगा 12 बजे झूठ बोलेगा, नड्डा आएगा 4 बजे झूठ बोलेगा।
इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोबर पात्रा है, झूठ मलविया, ये लोग ने व्हाट्सएप में जहर फेंकने का, टीवी में जहर फेंकने का अलावा इन लोग ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। अभी सर्वे में चुनाव आ रहे हैं, सारे पता चला 40 सीट इन लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे। किस खुशी पे तुम लोग जन आशीर्वाद यात्रा कर रहा है? क्यों आशीर्वाद करेगा कोई? लोग जा रहे हैं क्या इनका जन आशीर्वाद यात्रा में? चार राज्यों को लेकर आपका क्या कहना है? आप क्या क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या तैयारी? पांचों राज्यों में बीजेपी जीरो है, बीजेपी जीरो है, इसीलिए वन मैन वन इलेक्शन, सिटिंग इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, तमाम ड्रामा लेके आया। ये कोई वर्क होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में सांसदों को और केंद्रीय मंत्री अब चुनाव लड़ा। बीजेपी ने कुछ तमाम सीनियर नेता को घर भेजने का ये किनका प्लान था? ऐसे ही यहाँ वो लोग ने विधानसभा कोई नहीं जीत रहा है, सारे लोगों को अगला इनको लोकसभा सीट कट करने का है, तो कट करना कैसे करना? सबको चुनाव लड़ा दो, घर भेज दो, ये नया 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 फॉर्मूला है। एक अंतिम सवाल, महाकाल की नगरी यहाँ से 35 किलोमीटर है, वहाँ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, बहुत दयनीय स्थिति में वो रोड से तोड़ दी गई, क्या आपको कहना है? दुखी का बात है, मैं उज्जैन है तो मेरे को दो चीज याद आता है। पहली बार है महाकाल का मूर्ति का जो सबसे बड़ा घोटाला आया, नरेंद्र मोदी जी इतने बार आया, एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया, कोई भी उस पे दोषी है उसको कार्रवाई करने का बात करने का था, किया नहीं है। और दूसरा अभी जो कल जो देखने को मिला, किसी को भी 8 बार आ जाते हैं, बहुत दुखी का बात है। बट इनका शिवराज सिंह का एक इसमें मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इनका होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? मीन्स कहीं ना कहीं अपना दुकान चलाने के लिए, बचाने के लिए इनका बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची कब आ जाएगी? क्योंकि भाजपा आगे निकल चुकी है, 3 सूची जारी हो गई। देखिए वो जो भी ना अभी जो अनाउंस हुआ है ना, उसमें कितना चेंज होगा देखना पड़ेगा बीजेपी का। कि उज्जैन में एक मासूम बच्ची के साथ में जो घिनौनी हरकत हुई है, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था? देखिए मुझे तो दुख इस बात का है कि इस प्रदेश का मुखिया जो मुख्यमंत्री है 18 साल से शिवराज चौहान, अपने आप को उसने इस प्रदेश में बच्चियों का मामा घोषित कर रखा है। कई दिल लहलाने वाली घटनाएं इस प्रदेश में हुई हैं, लेकिन 2 दिन पहले उज्जैन जो धर्म और आस्था का केंद्र है, जिसके नाम पे बड़े बड़े दावे किए शिवराज चौहान ने, नरेंद्र मोदी साहब आए देखने, उस पवित्र स्थान पे इतनी कलंकित कर देने वाली घटना हुई। एक 12 साल की मासूम बच्ची, उसके साथ गैंग रेप होता है। शिवराज चौहान का एक शब्द भी नहीं निकलता, बीजेपी का कोई नेता देखने तक नहीं जाता उस बच्ची को। मैं कहता हूं कि एक असली मामा होता तो उसकी छाती फट जाती, लेकिन जो शकुनी मामा है, जो कंस मामा है, जिनके दिल में निर्दयता कूट कूट के भरी, उन्हें जरा भी असर नहीं हुआ। यदि असली मामा होता तो इस्तीफा दे देता मुख्यमंत्री के पद से। ये घटना ने हमारे मध्य प्रदेश को नहीं, हमारे देश को नहीं, पूरे भारत को उसका सर शर्म से झुका। पूरी दुनिया ने इस घृणित कृत्य को देख के हमारे देश के प्रति जो उनका एक अच्छा विचार था वो खराब हुआ। एक पॉलिटिकल सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया, 1 नंबर से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया है, क्या कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया? बड़े बड़े शत्रप मैदान में 2 नंबर ही भाई मेरा कैलाश 1 नंबर में चला गया, लेकिन 1 नंबर में मेरा नौजवान साथी संजय शुक्ला जो अभी वर्तमान में विधायक है, वहाँ की जनता ने ये देख लिया कि जो कैलाश विजयवर्गीय मजदूर का बेटा बन के 2 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ा था मजदूरों को न्याय दिलाने, मजदूर आज भी वहीं हैं, उनको न्याय नहीं मिला, उनकी राशि आज तक नहीं मिली। तो 1 नंबर की जनता ने सोचा कि जब 2 नंबर के मजदूर के बेटे के नाम पर राजनीति करने वाला, जिसके बेटे लंदन की स्कूल कॉलेजों में पढ़े हों, वो हमारा क्या भला करेगा? हमें राजनेता नहीं, जन सेवक चाहिए, और जन सेवक
संजय शुक्ला। जन आशीर्वाद वर्सेस जन आक्रोश, कितना जन समर्थन कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई? नहीं देखिए, जन आशीर्वाद मांगने का कारण समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्यों शिवराज चौहान ये पिछले 2018 में विकास यात्रा निकाली थी, हार गए, जनता ने हरा दिया, क्योंकि ये विकास भी पाखंडपूर्ण था तो जनता ने हरा दिया। अब जन आशीर्वाद मतलब थोथा विकास, प्रदेश नंबर वन बलात्कार में, प्रदेश कुपोषण में नंबर वन, अपराधों में नंबर वन, हमारा प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ सबसे नंबर वन, 4 लाख करोड़ के कर्जे में डुबो दिया, तो किस बात की जन आशीर्वाद मांग यात्रा निकाल रहे? जन आक्रोश इसलिए है कि ना किसान का भला हुआ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ना उनकी फसल का दुगना मूल्य हुआ, ना उस किसान के पढ़े लिखे नौजवान बेटे को रोजगार मिला, महंगाई का दौर पूरा प्रदेश हाहाकार मचा रहा है, ना बहनों को 450 की झूठी घोषणा, ना उन्हें गैस की टंकी मिल रही है, दाल तेल हर चीज़ महंगी है, महंगाई से परेशान है। तो जन आशीर्वाद तो फिर जनता 2023 का चुनाव 2 महीने बाद उसमें दे देगी। जन आक्रोश में लोग उमड़ के आ रहे हैं, आज आपने देखा जन आशीर्वाद यात्रा भी है निकली थी देवास में, उसका क्या असर हुआ, सोनगंज में क्या असर हुआ, और आज देवास में आप देख रहे हैं कि लोगों को उत्साह। भैया एक आपसे एक और अहम सवाल, विक्रांत भुरिया जी ने अभी मंच से बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रदेश का सड़ा हुआ हिस्सा बताया और उनका है सड़े हुए हिस्से को अब उखाड़ दो, क्या कहना आप इनकी बात से, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जो राजनीतिक दल धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करता है वो कर्महीन है। विकास और निर्माण की बात करने वाला राजनीतिक दल लंबे समय तक सर्वाइव करता है, तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने की कोशिश करती है, इसलिए विक्रांत भुरिया का ये शब्द। अंतिम सवाल भैया, भाजपा की तुलना में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा में पिछड़ रही है, आखिर कब तक होगी? नहीं देखिए, एक बात आपको समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कितना घबराया हुआ है, सांसद 3-3 केंद्रीय मंत्री 5-7 सांसद उतार दिए, ये उनके समझ में आ गया कि आंतरिक सर्वे में बीजेपी बहुत पिछड़ गई है कांग्रेस से, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े नेता उतार दिए। कांग्रेस मंथन कर रही है, चिंतन कर रही, कांग्रेस जनता के दुख दर्द करने के लिए कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है, ये झूठी पाखंडी सरकार को जो लोकतंत्र की हत्या पैसे से विधायकों को खरीद फरोख करके लोकतंत्र की हत्या करती, उसे गिरा के एक सुशासन सुराज देना चाहती, इसलिए हम बिल्कुल चिंतन मंथन के बाद ही टिकट 5 के बाद जारी करेंगे। 5 अक्टूबर आपने अभी मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि सर पे कफन बांध लो, तो क्या बीजेपी बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, कफन बांधना पड़ रहा है? देखिए, 18 साल से बीजेपी की सरकार है, इन दुर्दांत डके थे ना जो भ्रष्टाचार के पैसे से विधायक खरीद फरीद लेते, चोर है ना लोकतंत्र के, राजनीति के चोर, इनसे लड़ना है तो कफन बांध के उतर जाओ, मौत का डर नहीं, हरा के मानेंगे। मैंने कहा 230 रुपए कितनी थी? देखो, हम ऐसे झूठे नहीं है बीजेपी वाले, जैसे 2018 में भी इन्हें नारा लगाया था अब की बार 200 पार, अभी फिर लगा रहे अब की बार 200 पार, 150 सीट से ऊपर कांग्रेस लाएगी।